In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Students, आज हम एक important short question करने जा रहे हैं chapter number 12 का. Volt per meter is equal to Newton per coulomb. ये students, ये दोनों unit जो है electric field intensity के unit है. अब देखिए, आपको याद होगा कि एक relation हमने electric field intensity का ये पढ़ा था, E is equal to electric force per unit charge. E is equal to F E over Q. अगर हम magnitude की sense में बात करें, E is equal to F E over Q. So that is the electric force per unit charge. अब देखिए, electric force का unit क्या होगा students? Newton per coulomb. और इसी तरह अगर आपने एक और relation electric field intensity में पढ़ा था, electric field as a potential gradient में, E was equal minus del V over delta R. और अगर आप मैग्नीट्यूड की सेंस में बात करें तो यहाँ से ये माइनस जो है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो यहाँ से डेल्टा वी जो है, डेल्टा वी क्या है? दैट इज़ ए चेंज इन पोटेंशियल. और चेंज इन पोटेंशियल मीन पोटेंशियल, इट मीन्स पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा? वोल्ट. डेल्टा आर स्मॉल डिस्टेंस को कहते हैं, और इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर. सो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टू यूनिट्स होंगे, वन इज न्यूटन पर कूलम एंड द अदर इज वोल्ट पर मीटर. तो यहां पे हमने ये प्रूव करना है कि वोल्ट पर मीटर जो है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू न्यूटन पर कूलम. अब सुनो, यहां पे आ जाए, मैं इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं स्टूडेंट्स. लेफ्ट हैंड साइड है वोल्ट पर मीटर स्टूडेंट्स. व्हाट इज वोल्ट? वोल्ट आप जानते हैं कि इट इज ऐसा यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस हैव टू बी वन वोल्ट. If one joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb against the electric field, so it means volt जो होता है ये स्टूडेंट्स बराबर होगा joule per coulomb, यानी volt is equal to joule per coulomb. तो volt की जगह पे आप लिखते हैं joule per coulomb, और बड़े में क्या आ गया? मीटर आ गया. अब सुनो, joule की डेफिनेशन भी हम ऑलरेडी जानते हैं. joule क्या होता है स्टूडेंट्स? The work is said to be one joule if a force of 1 newton causes a displacement of 1 meter. यानी joule, यानी आप ये कहते हैं कि work is said to be one joule if a force of 1 newton causes a displacement of 1 meter. तो यहाँ पे volt की जगह पे आप लिख सकते हैं newton. इस joule की जगह पे आप लिख सकते हैं क्या? Newton meter divided by coulomb. इस end पे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं students. यहाँ पे देखिए, आपने लिखा है वोल्ट की जगह पे जौल पर कूलम, और यहाँ पे ये जो कूलम पर मीटर है, नेक्स्ट में न्यूटन मीटर बटे में जौल बटे में कूलम डिवाइडेड बाय मीटर. अब इसको अगर आप सिंपलीफाई करें तो ये आ जाता है न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय कूलम इनटू मीटर. ये कूलम जो है ये बटे में आ गया, सो मीटर इज कैंसल्ड एंड वी गेट न्यूटन पर कूलम, एंड दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड. अब सुना, दोबारा से देख लें, हम बात कर रहे हैं टू प्रूव दैट द रिलेशन वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम. ये दोनों यूनिट जो हैं ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है. यहाँ पे देखें, फोर्स पर यूनिट चार्ज. अब इसका फार्मूला है फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम. और इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडिएंट, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, डेल्टा वी का यूनिट वोल्ट, डेल्टा आर का मीटर, तो वोल्ट पर मीटर. लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे वोल्ट पर मीटर, और वोल्ट किसके बराबर होता है? जौल पर कूलम के, तो यहाँ पे जौल पर कूलम लिखते हैं. तो ये चीज़ जो है, ये सी जो है ये बटे में आ जाएगा, और जौल किसके बराबर है? न्यूटन मीटर के, तो जौल की जगह पे आपने न्यूटन मीटर लिख दिया, और ये सी बटे में आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाय कूलम इंटू मीटर. सो मीटर इज कैंसल, न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू, यही हमने प्रूव करना था कि वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम. सो इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. स्टूडेंट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस मोर थिंग्स. थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स.